नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में हमने किया था पार्ट 11 पेड़, उसकी बुक एक्सरसाइज को करवाया था। आज मैं आपको इसी की कॉपी पार्ट को करवाने वाली हूँ। लेकिन आप सबसे मुझे कुछ कहना है कि आप सबने अभी तक पार्ट 9 10 मेरे पास सेंड नहीं किया, अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड नहीं किया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने वर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो ताकि आगे आपको लर्निंग में प्रॉब्लम नहीं हो ना। तो फटाफट अपना वर्क कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास उसको सेंड करेंगे। कॉपी पार्ट में हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे श्रुत लेख का। पेड़ ठंडी, ठ के ऊपर बिंदी लगाई हुई है ना, तो न की ध्वनि आती है ठंडी। हवा गर्मी, चिड़िया चहकना हरियाली, फूल फल अपनाते। प्रश्न एक हमने पूरा किया है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न दो की ओर। प्रश्न दो में हमें करना है शब्दार्थ लिखिए, जिसमें दो ही शब्दार्थ आपको करने हैं अपनी कॉपी में। सबसे पहला शब्दार्थ है हमारा पेड़। पेड़ का क्या अर्थ होता है? वृक्ष। वृक्ष का मतलब भी पेड़ से ही होता है ना। हवा, हवा पवन। क्या अर्थ होता है हवा का? पवन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न तीन की ओर। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पर आपको कविता की पंक्तियां दे रखी है और एक एक शब्द से आपको उन पंक्तियों को पूरा करना है, अधूरी दे रखी है जो। सभी जगह उग जाते पेड़, ठंडी हवा चलाते पेड़, डैश दूर भगाते पेड़। और पेड़ जो है वो क्या भगाते हैं दूर? गर्मी। तो हम लिखेंगे गर्मी दूर भगाते पेड़। चिड़ियों को अपनाते पेड़। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? पेड़ पे। तो पेड़ जो है किसको अपनाते हैं? चिड़ियों। प्रश्न तीन हमारा पूरा होता है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न चार की ओर। सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जो वाक्य हमें सही लगते हैं उनके आगे हम सही का निशान लगाते हैं और जो गलत लगते हैं उनके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। पेड़ सर्दी दूर भगाते हैं। सर्दी को दूर भगाते हैं क्या? गलत है ना। क्या होना चाहिए यहाँ पे? गर्मी को दूर भगाते हैं। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए हमने गलत का चिन्ह लगा दिया। पेड़ हमें फल खिलवाते हैं। पेड़ हमें फल खिलवाते हैं क्या? एकदम सही है। जो भी फल फूल है वो हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। तो ये वाक्य सही है, इसलिए हमने सही का निशान लगा दिया। पेड़ लगाने से हरियाली आएगी। क्या पेड़ लगाने से हरियाली आती है? पेड़ों का कलर हरे रंग का होता है ना, जिसमें पत्तियां उगती है। तो बहुत सारे पेड़ लगाएंगे तो बहुत सारी हरियाली आएगी। तो ये वाक्य क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न पांच की ओर, प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में क्या करना होता है आपको? जब आप प्रश्न लिखते हो तो प्रश्न पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होता है, और जब उत्तर लिखते हो तो उत्तर के पूरा होने पर खड़ी पाई यानी कि पूर्ण विराम लगाना होता है। ठीक है, अभी आप छोटे हो ना, तो आपको ज्यादातर भाग जो है वो प्रश्न में से ही मिल जाता है। पेड़ कहाँ उगते हैं? आप पूरा उत्तर लिखोगे। पेड़ कहाँ की जगह लिखोगे? सभी जगह उगते हैं। पेड़ कहाँ उगते हैं? पेड़ सभी जगह उगते हैं, और पूर्ण विराम। ठीक है, आगे प्रश्न दो है, पेड़ किसे भगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर में लिखेंगे पेड़ किसे की जगह पे लिखेंगे हम? गर्मी। पेड़ गर्मी दूर भगाते हैं। ठीक है, किसे की जगह आप लिख दोगे? गर्मी दूर। पेड़ गर्मी दूर भगाते हैं, पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, पूर्ण विराम भी बोल सकते हैं और खड़ी पाई भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेड़ हमें क्या खिलवाते हैं? क्या हम खाते हैं पेड़ों से? तो हम लिखेंगे पेड़ हमें क्या की जगह पे फल खिलवाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्या लगाएंगे? हमें क्या लगाना चाहिए? हमें पेड़ लगाना चाहिए। क्या की जगह पे हम लिख देंगे? पेड़ लगाएंगे। हम पेड़ लगाएंगे, पूर्ण विराम यानी कि खड़ी पाई, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है बच्चों हमारा पार्ट 11 पेड़। अब आपको अपनी नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अपने वर्क को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, और मेरी कक्षा में यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।